नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है। बात करेंगे यूक्रेन की। खुद रूस के हमलों से घिरा यूक्रेन अपने आंतरिक मसले सुलझाने में इतना परेशान है कि अब उनके अधिकारियों की कुंडा खुलकर नजर आने लगी है। यूक्रेन के एक अधिकारी हैं और उनका पद राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार का है, नाम है माइखाइलो पोडोलिया। उनका कहना है कि भारत और चीन की बौद्धिक क्षमता कमजोर है। भारत और चीन ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो एक्शन तो करते हैं लेकिन उसके परिणामों का आकलन नहीं कर पाते हैं। पोडोलियाक ने स्टूडियो में बैठकर ये बयान तो दे दिया लेकिन खुद अपने ही एक्शन के परिणाम का आकलन नहीं कर पाए। भारत की तरफ से तो नहीं लेकिन चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने पोडोलियाक से उनके बयान पर सफाई मांगी है। माओ निंग का कहना है, मैं टिप्पणियों का संदर्भ नहीं जानती और स्पीकर से स्पष्टीकरण की मांग करती हूं। यूक्रेन संकट पर चीन शांति के लिए बातचीत को बढ़ावा देने और राजनीतिक समाधान की सुविधा के लिए हमेशा जिम्मेदार तरीके से कार्य करता है। आपको चीन की स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पोडोलिया केवल बौद्धिक क्षमता पर ही नहीं रुके, उन्होंने भारत के विज्ञान, खास तौर से चंद्रयान 3 पर भी टिप्पणी करी। जब पोडोलिया से विज्ञान में भारत के योगदान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हाँ, भारत ने विज्ञान में सहयोग दिया है, भारत ने चंद्रमा पर एक लैंडर भेजा है, लेकिन फिर भी भारत आधुनिक दुनिया को नहीं समझता है। भारत और चीन, इन देशों की समस्या ये है कि वो अपने कदम के परिणामों का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। यूक्रेन को देनी पड़ी सफाई। विवाद के बाद माइखाइलो पोडोलिया की तरफ से तो जवाब आया ही, लेकिन पहले बताते हैं कि यूक्रेन की एम्बेसी की तरफ से क्या सफाई आई है। एमएससी का कहना है कि ये पोडोलिया का निजी विचार है, इसका यूक्रेनी एमएफए और यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से कोई लेना देना नहीं है। अब बताते हैं कि पोडोलिया का क्या कहना है। पोडोलिया ने सोशल मीडिया एक्स पर सफाई देते हुए लिखा है, बात को संदर्भ से बाहर ले जाओ, किसी बात के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर पेश करो, कुछ खास दर्शकों तक बात को इस तरह से ले जाओ कि विवाद की स्थिति पैदा हो, यही रूस का प्रोपेगेंडा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बीच में रूस कहां से आ गया और पोडोलियाक ने रूस का नाम क्यों लिया। तो उसका जवाब यह है कि पोडोलियाक ने अपना इंटरव्यू अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी स्थानीय भाषा में दिया था, जिसे रूस की समाचार एजेंसी ने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया था। ऐसे में पोडोलियाक का कहना है कि रूस ने गलत तरीके से उनकी बात को पेश किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने भारत पर इस तरह की कोई टिप्पणी करी है। पहले भी यूक्रेन ने हिंदू देवी मां काली की अपमानजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी और बाद में यूक्रेन को भारत से माफी भी मांगनी पड़ी थी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।